ऑनलाइन स्टोर में धरा के सामने आएगा पांड्या परिवार की मजबूरी का सच। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि धरा सबके सामने अपने IVF के बारे में बता देती है और सभी घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं कि 15 लाख के बारे में शायद धरा अपने IVF की ट्रीटमेंट के लिए बात कर रही है। इसके बाद नहीं, यहाँ पर सभी के सभी उसी से ये सच छुपाते नजर आते हैं कि वो सब लोग पांड्या परिवार की जमीन और को बचाने की कोशिश में हैं और 15 लाख उन्हें लोन वाली किस्तें चुकानी है। जिसके बाद यहाँ पर सभी के सभी उसको खुश करने के लिए और साथ में ये सच छुपा जाते हैं। लेकिन अनीता को इसकी खबर लग जाती है और वो भी किसी और से नहीं, गौतम से, कि यहाँ पर उन्हें 15 लाख लोन के चाहिए होते हैं और बुआ ही ये बात धरा तक पहुँचाने की बात करती है, यानी ऋषिता की बुआ ही ये सब ड्रामा खेलने वाली हैं और अनीता को कहती है कि ये बात धरा तक पहुँच ही जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनीता की इसी गड़बड़ी के चक्कर में इस धरा के पास ये खबर पहुँचेगी कि IVF के नहीं वो सब लोग लोन के बारे में बात करें और अनीता उस तक ये बात पहुँचा देती है। जिसके बाद ने यहाँ पर धरा ये अपनी बड़ी कुर्बानी देते नजर आएगी और पांड्या परिवार को बचाने के लिए अपने IVF के 15 लाख रुपये भी परिवार को दे देगी। जिसके बाद ने सभी घर वाले ठान लेते हैं कि जल्दी से जल्दी वो 15 लाख वापस देंगे क्योंकि उन्हें तो किस्तों में ही देने हैं डॉक्टर को और जल्दी से जल्दी वो उसका सॉल्यूशन भी निकाल ही लेंगे और अधरा का भी ट्रीटमेंट होके ही रहेगा जिसके लिए पूरा परिवार मेहनत करेगा, तो दोनों का ही सॉल्यूशन पूरा परिवार मिलकर निकालेगा।